19 अक्टूबर 2023 को भारत और बांग्लादेश के बीच एक शानदार मुकाबला खेला जाएगा। आज हम इन दोनों टीमों के प्लेयर्स की कंपैरिजन करेंगे और पता करेंगे कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती दिख रही है। सबसे पहले हम टक्कर कराते हैं रोहित शर्मा और लिट्टन दास की। रोहित शर्मा भारत के बिग हिटर हैं, जबकि लिट्टन दास कोई दास नहीं है, बल्कि एक बॉल पर 10-10 रन बनाने की क्षमता रखते हैं। इस बैटल में रोहित शर्मा ज़्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब हम टक्कर कराते हैं हार्दिक पांड्या और मेहंदी हसन मिराज की। हार्दिक पांड्या बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर है। मेहंदी हसन मिराज नहीं खाते, बल्कि वो बांग्लादेश के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। यहाँ पर हार्दिक पांड्या ज़्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब टक्कर होगी विराट कोहली और मुश्फिकर रहीम की। विराट कोहली भारत के चेज मास्टर हैं, जबकि मुश्फिकर रहीम बांग्लादेश को मुश्किलों से निकालने के लिए जाने जाते हैं। इस बैटल में विराट कोहली भारी पड़ते दिख रहे हैं। अब हम टक्कर कराते हैं केएल राहुल और नजमुल हुसैन सांतो की। केएल राहुल राहुल जी जैसी क्लास के साथ बल्लेबाजी करते हैं, जबकि सांतो कोई संत नहीं है, बल्कि ये बहुत ही शांति प्रिय खिलाड़ी है। इस बैटल में केएल राहुल बाजी मारते दिख रहे हैं। अब टक्कर होगी शुभमन गिल और टॉविड हृदय की। शुभमन गिल गेंदबाजों को घुमा कर मारते हैं, जबकि टॉविड हृदय लोगों के हार्ट में बसते हैं। यहाँ पर शुभमन गिल भारी पड़ते दिख रहे हैं। अब टक्कर होगी रविंद्र जडेजा और शाकिब अल हसन की। रविंद्र जडेजा बल्लेबाजों को जड़ से उखाड़ डालते हैं, जबकि शाकिब अल हसन खिलाड़ियों पर शक नहीं करते, बल्कि ये बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। इस बैटल में शाकिब अल हसन भारी पड़ते दिख रहे हैं। अब टक्कर होगी श्रेयस अय्यर और तंजिद हसन तमीम की। अय्यर भाई गेंदबाजों को धो डालते हैं, जबकि तंजिद हसन बहुत ही युवा और तेज खिलाड़ी है। इस बैटल में श्रेयस अय्यर भारी पड़ते दिख रहे हैं। अब टक्कर होगी रविचंद्रन अश्विन और महमूदुल्लाह रियाद की। रवि की फिरकी के आगे अच्छे अच्छे बल्लेबाज बोल्ड हो जाते हैं। रियाद साहब कोई महबूब नहीं है, बल्कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। यहाँ पर रियाद साहब भारी पड़ते दिख रहे हैं। अब टक्कर होगी जसप्रीत बुमराह और मुस्ताफिजुर रहमान की। जसप्रीत बुमराह भारत के बॉम्बरमैन कहलाते हैं, जो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का विकेट ले लेते हैं। मुस्ताफिजुर रहमान कोई गायकार नहीं है, बल्कि अपनी गेंदों से अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चुप करा देते हैं। इस बैटल में मुस्ताफिजुर रहमान भारी पड़ते दिख रहे हैं। अब टक्कर होगी मोहम्मद शमी और तस्कीन अहमद की। मोहम्मद शमी किसी भी बल्लेबाज को कुछ भी समझने का मौका नहीं देते हैं, और ये उन्हें आउट कर डालते हैं। तस्कीन अहमद कोई तस्कर नहीं है, बल्कि ये बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा देते हैं। इस बैटल में मोहम्मद शमी भारी पड़ते दिख रहे हैं। अब टक्कर होगी मोहम्मद सिराज और शौरिफुल इस्लाम की। मोहम्मद सिराज मौसम का हाल जानने के बाद बल्लेबाजों को आउट कर डालते हैं, जबकि शौरिफुल इस्लाम बल्लेबाजों को आउट करने पर भी सॉरी नहीं बोलते हैं। इस बैटल में मोहम्मद सिराज भारी पड़ते दिख रहे हैं। अब टक्कर होगी ईशान किशन और शाक मेहंदी हसन की। ईशान किशन गेंदबाजों को कूट डालते हैं, जबकि मेहंदी लगाकर नहीं खेलते, बल्कि अपनी मेहनत से बहुत ही शानदार खेल दिखाते हैं। यहाँ पर ईशान किशन भारी पड़ते दिख रहे हैं। अब टक्कर होगी कुलदीप यादव और हसन महमूद की। कुलदीप यादव गेंद के जादूगर हैं, और ये जब चाहे बल्लेबाजों का विकेट ले डालते हैं, जबकि हसन महमूद मैजिकल गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस बैटल में
कुलदीप यादव पारी पड़ते दिख रहे हैं। अब टक्कर होगी सूर्य कुमार यादव और नसूम अहमद की। सूर्य कुमार यादव सूरज की तरह चारों तरफ चौके छक्के मारते हैं, जबकि नसूम अहमद कोई नवाब नहीं है बल्कि ये बांग्लादेश के बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। इस बैटल में सूर्य कुमार यादव भारी पड़ते दिख रहे हैं। अब टक्कर होगी शार्दुल ठाकुर और तंजीम हसन साकिब की। शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजों को बहुत ही शानदार तरीके से आउट कर डालते हैं। इस बैटल में शार्दुल ठाकुर भारी पड़ते दिख रहे हैं।